अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो आपको एक नई ताकत देगी और हौसला देगी। जी हाँ, यह खबर है देवरिया के दिव्यांग रोहित की कहानी। एक ऐसा शख्स जो दिव्यांग होने के बावजूद अच्छे अच्छों को पटकनी दे रहा है। देखिए दिव्यांग रोहित के हौसले की कहानी। आपने इस धरती पर ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास धन दौलत रुपया पैसा शारीरिक ताकत सब कुछ होता है, फिर भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। ऐसे तमाम युवा देश में पड़े हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगार अपनी हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए हमारी टीम एक ऐसे शख्स के पास पहुंची जो कि जन्मजात दिव्यांग है। उसके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी अपनी जिंदगी के साथ जद्दोजहद करते हुए एक नए मुकाम को हासिल करने का हौसला रखते हुए क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अच्छे अच्छों को अपने हुनर से मात दे रहा है। जी हाँ, बात कर रहे हैं देवरिया के बरियारपुर नगर पंचायत के रहने वाले रोहित विश्वकर्मा की, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी अपने दैनिक जीवन से लेकर और सभी काम अपने पैरों से ही निपटाते हैं। इतना ही नहीं, रोहित अपने पैरों से इस तरीके से कंप्यूटर चलाते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाएगा। रोहित कंप्यूटर टाइपिंग में माहिर लोगों को चैलेंज भी देते हैं। रोहित की यह इच्छा है कि वह अपना जीवन यापन करने के लिए सरकार से कुछ व्यवस्था की उम्मीद रखती है। और हो भी क्यों ना, बिना हाथ के जो जो अच्छे अच्छे को पटकनी दे रहा है उसके लिए सरकारी तंत्र में भी काम करना कोई असंभव बात नहीं है। रोहित की माँ भी बेटे के हुनर से काफी खुश है और सरकार से गुहार लगा रही है कि ऐसे होनार बेटे को कोई संयोग हो जाए। यही नहीं, रोहित बीए करने के बाद कंप्यूटर से ट्रिपल सी किया हुआ है, जो कि अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को पीछे छोड़ते हुए जीवन की इस भागदौड़ भरी दुनिया में प्रयास करने का हौसला नहीं छोड़ता है। क्योंकि 15 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के हर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी कहानी और हालात बताकर उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाई हैं और अपने लिए नौकरी मांगने का काम करने का प्रयास किया है, लेकिन रोहित को निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद भी दिव्यांग रोहित को निराशा ही हाथ लगी है। मेरा नाम रोहित विश्वकर्मा है, नगर पंचायत बरियारपुर उत्तर प्रदेश देवरिया का निवासी हूँ। मेरा दोनों हाथ बचपन से नहीं है। मैं अन्य बच्चों के को देख कर मुझे भी हुआ कि मैं भी पढ़ लिख लूँ और कुछ करके दिखाऊं। मैं बचपन से आज तक परिश्रम किया और बीए तक की परीक्षा बीए तक एग्जाम देकर अपने पैर से ही लिखना पढ़ना। जी रोल, मैं बीए के साथ कंप्यूटर में ट्रिपल सी भी किया हूँ। इस वजह से कि सरकारी विभागों में कंप्यूटर में ट्रिपल सी की आवश्यकता है, मैं इसको देखते हुए ट्रिपल सी ए ग्रेड से पास किया हूँ। और मैं मुख्यमंत्री साहब से एक बार गोरखपुर में मिल भी चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं किया जिससे मुझे कोई ये हो कि मुख्यमंत्री साहब मुझे कुछ मदद करेंगे। मेरा यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर मेरा इंटर का मालीवाली स्कूल है। मैं पैदल आता था और कंप्यूटर कोर्स जब हम सीखना चालू किए तो महुआनी चौराहे से लेकर देवरिया में जो 17 टेम्पू वाले हैं भाई, वो लोग हमको एक भी रुपया नहीं लिए और मुझे वहाँ जाने में सहयोग कराए। और इसके साथ मैं अपने घर की जीविका चलाने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया। कंप्यूटर से मैं फोटो वगैरह बना के और गाना डाउनलोड करके मैं अपने घर की जीविका चला लेता हूँ। मेरा एक भाई है, माता पिता है और मेरे छोटे भाई के 2 बच्चे हैं। बस यही हमारे परिवार। योगी बाबा जो दिव्यांगों के लिए योजना चलाए कि मतलब मैं भी दिव्यांगों के लिए मैं कुछ करूंगा, लेकिन अभी तक वो कुछ हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। और उनसे मैं यही चाहूंगा कि हम लोग जैसे लोगों को नौकरी का अवसर दें, नौकरी दें ताकि हम अपने घर की जीविका चला सकें। देखना यह है कि ऐसे पढ़े लिखे होनार सम्राट जैसे दिव्यांगों को सरकार से कोई मदद मिल पाती है या नहीं। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए देवरिया से अजरेश कुमार की रिपोर्ट।